जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर घर दस्तक प्रोग्राम जो है पुलिस का जोधपुर में चल रहा है, जिसमें होम क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों की मॉनिटरिंग पुलिस जो है चार्ट लगाकर उनके घर के बाहर करती है। पुलिस अधिकारी रेगुलर विजिट करके उस चार्ट में नोट करते हैं कि व्यक्ति जो है वो घर पे है या नहीं है। इसी दौरान कल नागौरी गेट क्षेत्र में इरशाद नाम का व्यक्ति, जिसे होम क्वारंटाइन किया गया था, वह बाहर घूमते हुए मिला, तो उसे गिरफ्तार पुलिस द्वारा किया गया है और गिरफ्तार करके उसे जमानत दे दी गई थी। ये अभियान लगातार चलता रहेगा और पुलिस की सख्ती जो है जारी रहेगी। हाँ बिल्कुल, लगातार हम लोग होम क्वारंटाइन वायोलेशन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज कर रहे हैं और डेफिनेटली ये एक सख्ती का एक नया सिलसिला और दौर जो है हम लोग चालू कर रहे हैं। पहले काफी जागरूकता अभियान भी आप लोगों ने देखा कि चला जोधपुर में, हर तरह से लोगों को समझाने का, जागरूक करने का प्रयास किया गया है। उसके बाद भी लोग अगर लापरवाह है तो कानूनी प्रक्रिया ही जवाब है। FIR दर्ज होगा, लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड बनेगा, लोग गिरफ्तार किए जाएंगे और FIR को लोग, मैं यही कहूंगा कि लोग लाइकी नहीं है। एक बार किसी व्यक्ति पे कोई FIR हो जाता है तो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड जिंदगी भर रहता है, चाहे वो कहीं नौकरी के लिए जाए, पासपोर्ट बनवाए या किसी और तरह का पुलिस वेरिफिकेशन में आपका ये रिकॉर्ड दिखेगा। मैं जोधपुर वासियों से यही कहना चाहूंगा कि इस चीज को आप लाइटली नहीं लें, कानून और गाइडलाइंस की सख्ती से पालना करें, अन्यथा आपको पुलिस की सख्ती झेलनी पड़ेगी। आगे जैसे कि आप देख रहे हैं कि कल नगर निगम और पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए जो लोग गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं वैसे दुकानों को भी सीज किया जाए। तो अब दुकानों को सीज करने का भी एक अभियान चलाया जाएगा। जो भी व्यवसायी नहीं सही गाइडलाइन फॉलो कर रहे होंगे, पहले तो अब हम लोग समझाइश कर रहे थे, चालान काट रहे थे, अब सीधे उनके दुकान को सीज किया जाएगा। रात्रि में भी आपने देखा होगा कि 10 से 5 की कर्फ्यू में पॉइंट्स जो है नाकाबंदी के वो बढ़ा दिए गए हैं। बहुत सारे इंस्पेक्टर्स जो है उनको डिप्लॉय किया गया है और उच्च अधिकारी भी रेगुलर राउंड पे रहेंगे और ड्रोन से और वीडियोग्राफी के माध्यम से भी लगातार मॉनिटरिंग जारी है। और अब अगर रात में कोई अनावश्यक घूमता मिला फिर उसकी गिरफ्तारी भी।